morning students. Today our new chapter is chapter number 7 of history, class 10, preservation of our heritage. Till now हमने पढ़ा कि हमें हमारा हेरिटेज क्या क्या है, जिसमें हमने पढ़ा हमारे कल्चरल हेरिटेज के बारे में, हमने कुछ नेचुरल हेरिटेज के बारे में भी पढ़ा. लेकिन ये चैप्टर जो है आपको बताएगा कि हमारा जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको क्यों बचाना चाहिए. यानी कि हमारा जो हेरिटेज है वो तो बहुत ही रिच है. हमने पिछली चैप्टर्स के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा है, जिसमें हमने बहुत सारे टेंपल्स के बारे में जाना है, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि हमारे देश की शान है. लेकिन अब ये जो सब चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी है, और ये क्या तब से अब तक इनमें कोई बदलाव नहीं आया है, बहुत बदलाव है. यानी कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ साथ खराब होती जा रही हैं. यानी कि इनको बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. अब इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, दैट प्रिजर्वेशन ऑफ आर हेरिटेज, कि हम अपने हेरिटेज को कैसे बचा सकते हैं. हमने देखा कि साइंस की फील्ड में, इवन रिलीजियस वे में, कल्चर हमारा नॉलेज है, ये सब चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. और अब इस कंट्रीब्यूशन को अगर हम संभालेंगे नहीं, हमने बहुत अच्छे से अपने कल्चर को मतलब बहुत ही रिच बनाया है, लेकिन अगर हम इसको संभालेंगे नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कल्चर जो है हमारा, ये हेरिटेज है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा. जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ टेम्पल्स ऐसी हैं जो नष्ट हो चुकी हैं. अब जैसे ताजमहल की बात करें, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया कुछ समय के बाद वो भी बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए इनको प्रिजर्व करना, इनको संभालना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. कैसे इसको बचाएंगे? पहला हमारा टॉपिक था हमारे चैप्टर का नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. यानी कि कल्चरल हेरिटेज को बचाने की नीड क्यों है, क्या जरूरत है कि हम उसको बचाएं, ऐसी क्या खासियत है कि हम उसको बचाएं. तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो हेरिटेज है इंडिया का वो मल्टी फेरियस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेरिड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैरायटीज भारत में देखने को मिलती है, और ये भारत की शान पूरी दुनिया में बढ़ा है. यानी कि हम अगर बात करें किसी कल्चरली रिच कंट्री की तो भारत का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा. कल्चरल हेरिटेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर और आर्ट्स एंड इवन वेरियस नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं हम. यानी कि ये जो पिछले 6 चैप्टर हमने पढ़े थे, ये 6 के 6 चैप्टर जो हमको बताते हैं इट इज ऑल आर हेरिटेज. अब नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टिंग आर हेरिटेज. अब हमारा जो हेरिटेज है उसको हम लोग, यानी कि इंसान जो है, हमारी एक्टिविटीज और इवन नेचर की एक्टिविटीज भी उसको नेगेटिवली, यानी कि इफेक्ट कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो हमारी एक्टिविटीज और नेचर की एक्टिविटीज किस प्रकार से बात करें तो हम जानते हैं कि मौसम में जब बदलाव आता है, इवन ताजमहल का एग्जांपल लें अगर हम, ताजमहल के ऊपर जो एसिड रेन वगैरह हुई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ऑफ द एसिड इन द एटमोसफियर, जो कि पहली बारिश होती है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ हमारे वाइट मार्बल से बने ताजमहल. अब अगर ताजमहल इसी प्रकार से नेचुरली उसको हार्म होता रहा तो उसकी जो चमक है, उसकी जो शान है, वो चली जाएगी. तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको बचाएं. ये वन नेचुरली. अब दूसरा मैन मेड तरीके से, यानी कि हम लोग कैसे उसको नुकसान पहुँचाते हैं. आप जानते हैं जब हम किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, किसी चीज़ को देखने जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने इसको देखने के लिए पैसा खर्च किया है तो हम उसको टच भी करेंगे. कुछ लोग तो उसके ऊपर अपना नाम तक लिखते हैं, कुछ खरोच कर उसको मतलब किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो इस तरीके से नेचुरली और बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये नुकसान उसको पहुँचता है. तो इसको नुकसान ना पहुँचे इसकी हमारे कोशिश करनी चाहिए. ये हमारे देश की एक आइडेंटिटी है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है. अगर बात करें हम वर्ल्ड की, तो दुनिया के अंदर अगर कहीं भी हम ताजमहल का नाम लेते हैं तो सीधा सीधा जो हमारा ध्यान है वो भारत की तरफ जाता है. अगर हम कहीं भी जाकर रेड फोर्ट या लाल किला या हमारे कुतुब मीनार जो हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर ये शब्द बोलते हैं कि हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है भारत की. यानी कि हमें इंडिया जो है वो आइडेंटिटी है, ये हमारा धरोहर है, ये इंडिया की आइडेंटिटी है और इंडिया हमारी आइडेंटिटी है. इसलिए हमारी बहुत ही कोशिश होनी चाहिए कि हम इनको मैनेज करने की तरफ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, यानी कि इनको बचाने के लिए हम भरपूर कोशिश करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अब
हमारा जो आर्ट है, हमारा आर्किटेक्चर है, ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अगर सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या बताएंगे, उनको क्या दिखाएंगे? उनको बचाना इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि कम से कम हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो अपने रिच कल्चरल हेरिटेज से वाकिफ रहें, और वो भी इनके इम्पोर्टेंस को समझें, और वो भारत के ग्लोरियस हेरिटेज को समझकर भारत की जो साख है पूरी दुनिया में उसको बरकरार रखें और उस पर प्राउड फील करें। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हमारा जो नेग्लिजेंस है, हमारी जो एक अनदेखी करते हैं हम अपने इन हेरिटेज की, वो ना करें और इसको बचाएं। ये हमारा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अब आगे हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब इसको बचाने की फिर से हम नेसेसिटी, व्हाई देयर इज नेसेसिटी टू प्रिजर्व द नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। जैसे कि हमने अब तक बात की कि ये जो हमारा नेशन है, हमारा हेरिटेज, हमारी आइडेंटिटी, हमारे देश की पहचान है। जो कंट्री अपने हेरिटेज को नहीं बचाता है, यानी कि उसको इग्नोर करता है, वो कंट्री जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं बना सकती। यानी कि सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें हमारी जनरेशन से मिला है, हम उसको बचाएं। हम कुछ नया बनाएं ना बनाएं वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हमें जो पीछे से, यानी कि हमारी जो फोर फादर्स ने हमको जो दिया है उसको हम संभाल के रखें, उसको हम बचाएं। ये हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारी जो पहले हमने गलतियाँ की हैं, इनको ना संभालने में या इनके देखभाल में जो भी गलतियाँ की हैं उनको हम ना दोहराएं और फ्यूचर के लिए प्लान बनाएं ताकि हम इनको अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करके इसको बचा सकें। हेरिटेज जो है वो एक गाइड की तरह काम करता है और हमें डेवलपमेंट की डायरेक्शन में ले जाता है। हेरिटेज बचाना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। हेरिटेज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कॉन्शियसनेस फैलाता है। यानी हमारे जो रिच हेरिटेज है उसके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं, हम सबको उसके बारे में पता लगता है कि रियल में हमारा कल्चर कितना रिच है, और ये हमें प्राउड फील करवाता है। अब इसके लिए हमें लोगों को, हर एक नागरिक को ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हर एक नागरिक के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज जो है इसको हम डैमेज ना करें और क्यों ना करें। डैमेज ना करें ठीक है, लेकिन क्यों ना किया जाए वो भी हमें हर एक नागरिक को समझाना चाहिए। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं, अगर आप कहें कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये सब करना, तो अनडाउटेडली जिम्मेदारी उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ विदाउट आर इन्वॉल्वमेंट, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चीज़ों में अपना जो योगदान है वो पूरे तरीके से दें। अब आगे देखें हम, तो ये जो है ये जल्द ही डिग्रेड होता जा रहा है हमारा नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। यानी कि डिग्रेड होने का मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसको नुकसान पहुँच रहा है, या फिर नेचुरली भी इसको नुकसान पहुँच रहा है, तो हम इसको बचाएं किसी न किसी तरीके से। अब हमने ये भी देखा है कि फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से, जब विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया या भारत पर कब्जा किया, तो उसके बाद भी हमारे हेरिटेज को नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम ऐसी चीज़ों को होने से रोकें और अपने हेरिटेज को, कल्चर को बचा कर रखें। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो कोहिनूर, जो कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है, वो आज इंग्लैंड के पास है, यानी कि ब्रिटेन के पास है। क्यों? क्योंकि जब भारत के ऊपर ब्रिटेन का रूल था, इंग्लैंड का रूल था, तब वो यहाँ से वो हीरा ले गए। तो इस तरीके से ये हीरा जो हमारा एक धरोहर था, हमारा हेरिटेज था, हमारा एक बहुत ही कीमती प्रेशियस एक चीज़ थी, वो भी अंग्रेज लेकर चले गए। इस प्रकार से जो फॉरेन इन्वेजन रहती है वहाँ पर हमें नुकसान पहुँचता है। आगे हम टॉपिक देखते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आर हेरिटेज। अब हेरिटेज जो है उससे टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब दुनिया की जो यूनेस्को है, हमारा जो यूनाइटेड नेशंस में जो एक पार्ट है, यूनेस्को जो बॉडी है, वो जो है उसने दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगह जो कि आर्ट, लिटरेचर और इन चीज़ों से जुड़ी, उनको उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया। जैसे हमारे गुजरात की बात करें, कच्छ के अंदर जो हमारे लखपत साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, उसको भी यूनेस्को ने थोड़े साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इससे क्या होगा, इससे वो जगह वर्ल्ड मैप पर हाईलाइट होने लगी और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, बिकॉज वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा तो इससे गवर्नमेंट की इनकम होगी, वो एरिया और डेवलप होगा और हमारे देश का नाम और ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उस जगह को देखने के लिए। तो यूनेस्को ने बहुत सारी जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है।
अब इनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और ये जब आते हैं तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इवन आप एक सिंपल अगर हम इसका एग्जांपल लें, अब कोई अंग्रेज, कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आता है ताजमहल देखने, पहले वो भारत में आएगा, उसके बाद वो किसी होटल में रुकेगा, फिर वो गाइड लेगा घूमने के लिए, वो टैक्सी का यूज़ करेगा आने जाने के लिए, वो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करेगा, बहुत सारी जगहों पर घूमने जाएगा। तो इन तरीक़ों से हम देखते हैं कि लोगों को काम मिलेगा, टूरिस्ट गाइड्स जो होते हैं उनको काम मिलेगा, जो लोग टैक्सी चलाने वाले हैं, जो हमारे लोकल इस प्रकार के लोग हैं उनको काम मिलेगा, लोकल मार्केट से चीज़ें खरीदेंगे तो उनको काम मिलेगा, होटल में रहेंगे तो होटल को काम मिलेगा। इस तरीके से मतलब वो हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में, मतलब हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ावा देंगे। इस प्रकार से अगर हमारे देश के अंदर देखने लायक कुछ होगा ही नहीं, कोई देखने आएगा ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारा कुछ देखने के लिए है, तो इसलिए हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फलफूल रही है। तब फले फूलेंगी ज़्यादा जब हम उसका पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे तब। इसके बाद देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी भी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को काम मिलेगा, तो उससे सबका रोजगार चलेगा, सबका घर बार चलेगा। अब की बात करें तो आजकल जो टूरिज्म जो है उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे भी ऐड किया गया है हमारे एजुकेशन में, तो टूरिज्म इज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, और ये टूरिज्म को प्रमोट करने का तरीका बताया जाता है इसमें कि कैसे हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, और इंडिया जो है इससे फॉरेन करेंसी भी हासिल करता है, यानी कि अगर आपके देश के अंदर टूरिज्म ज़्यादा है तो आपको फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि कोई फॉरेनर ब्रिटेन से यहाँ आ रहा है तो वो ब्रिटिश डॉलर जो है, वो ब्रिटिश पाउंड जो है वो यहाँ पर हमें देगा, तो हमारा जो मनी एक्सचेंज होगा इससे हमें पाउंड, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा मिलता है, फॉरेन करेंसी ज़्यादा मिलेगी, और इससे जो पूरी वर्ल्ड है वो हमारे मिक्सचर ऑफ जो कल्चर है, हमारा भारत जो है ये दुनिया में एक ऐसा देश है जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर तरह तरह के धर्म के लोग, मतलब हर एक प्रकार के लोग यहाँ पर देखने को मिलते, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कन्फ्लुएंस जो है, ये जो मिक्सचर है इन सब चीज़ों का, ये दुनिया के अंदर हमारी साख बढ़ाता है, दुनिया में हमारा नाम करता है। अब इसके बाद देखें तो फैसिलिटीज़ जैसे कि मेटल रोड्स, रेलवे, वाटर कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी डेवलप होती हैं ज़्यादा हेरिटेज साइट्स के नियर बाय, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि आप कभी हेरिटेज साइट पर गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं, जो आपकी फ़ोटो खींच के तुरंत आपको दे देते हैं, इससे उन लोग को काम मिलता है। आपने देखा होगा वो साइड, अगर आप आगरा गए हो ताजमहल देखें तो वहाँ पर टांगा जो है वो साइड की जाती है, टांगे पर बैठ के वहाँ पर कोई ट्रेडिशनल वहाँ की सवारी है, तो वहाँ पर लोग जाके उस पर बैठना पसंद करते हैं, कुछ जो बोटिंग करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रीट हॉकर्स जो हैं उनको भी काम मिलता है, जो रोड पे जो सामान बेचने वाले होते हैं, तो मतलब लोकल मार्केट से लोग शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन सब लोगों को वहाँ से काम मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो टूरिज़्म है उसको पूरे तरीके से बढ़ावा देने का काम जो है वो हमारे हेरिटेज का, अगर हम हेरिटेज को नहीं बचाएंगे, भले वो नेचुरल हेरिटेज है, भले वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व। अब इसको प्रिजर्व कैसे करना है, इसको कंजर्व हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले 1952 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो थी, उन्होंने एक्ट बनाया था, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया था। इसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बनाए गए, सेंचुरीज बनाए गए, बायो रिजर्व्स बनाए गए, ताकि लोग वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ भी हमारे हेरिटेज में ही है। अगर आप देखिए, अगर हम बात करें लायन की, लायन जो कि जो पूरे एशिया के अंदर सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है गुजरात में, अगर किसी व्यक्ति को एशिया के अंदर लायन देखना है तो नियरेस्ट प्लेसेस गुजरात होते हैं, तो गुजरात में आएगा, इससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बनाया था, इसके मुताबिक जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं और बायो रिजर्व्स हैं, इनको और ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया गया, इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा नए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स बनाए गए। हमारे कंट्री में जो लॉज है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया, वाइल्ड लाइफ और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया, जो कि हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए, यानी कि उन लॉज को और ज़्यादा कड़ा कर दिया गया।
और इसके अलावा जो वेजिटेशन हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब चीज़ों को खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे। आज आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको मारने पे, जिनका शिकार करने पे पाबंदी है, जैसे कि आप सलमान खान की केस को जानते हो, काले एजेंट के शिकार में वो फंसाए गए, फंसे फंस चुके हैं, मतलब उन्होंने काले एजेंट का शिकार किया। उसके लिए जो सरकार है अभी तो उनको केस चल रहा है राजस्थान के अंदर, आप जानते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे दूसरे भी एक्ट्स बनाए हैं और इन सब एक्ट्स के द्वारा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। वाइल्ड लाइफ जो कि हमारी धरोहर है, वो भी एक हमारा हेरिटेज है। अब अगला हम देख रहे हैं एंशियंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट हमको बताता है कि हेरिटेज को बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हेरिटेज के सामने बहुत सारी मतलब खतरनाक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब जितना ज़्यादा उसको बचाना मुश्किल है, उतने ही ज़्यादा उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज हमको बनाने पड़ेंगे। आप जानते हैं जो काम जितना मुश्किल है उसको बचाने के लिए हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो काम है बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डेंजरस है, इसको बचाना यानी कि, तो इसके लिए समय समय पर हार्ड स्टेप्स भी उठाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, इसको बनाया गया था 1938 के अंदर। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और इवन एंटिक आर्टिस्टिक वर्क जो है, ये सब जो है ये प्रिजर्व्ड हैं, ये सब इस एक्ट के अंतर्गत बचाए जाने चाहिए और इनको हार्म पहुँचाना अलाउड है। दूसरा पॉइंट इसमें बता रहा है कि अगर कहीं पर एक्सकवेशन की जानी है, यानी कि कहीं पर जमीन की खुदाई करके कुछ पाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कोई भी रिमेन्स को निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। और आप अपनी मर्जी से कहीं भी एक्सकवेशन का काम शुरू नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एक्सकवेशन इन एनी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आपको अलाउड नहीं है बिना परमिशन। इसके बाद बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकल प्लेसेस को बचाने के लिए जिनको नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने का जिम्मा दिया है। तो आर्कियोलॉजी, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये इनको बचाने का पूरा काम करता है। हेरिटेज साइट्स विल नॉट बी प्रिजर्व जस्ट बाय फ्रेमिंग लॉ। अब हम ये भी जानते हैं कि इनको बचाने के लिए सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं होगा, आपने कानून बना दिया लेकिन फॉलो करना सबसे जरूरी है। तो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको फॉलो करें। अब इसके साथ साथ इसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। इट इज नॉट अ राइट बट इट इज अ ड्यूटी टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो साइट्स जो हैं, जो खराब हो चुकी हैं या खराब होने की कगार पे हैं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, ये क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर साइट को रिपेयर करने का, मेंटेन करने का काम भी करता है। अब अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा थोड़े साल में। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जब इसको रिपेयर किया जाता है, तो रिपेयर करते वक्त इसके जो ओरिजिनलिटी है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, या मैं कहूँगा बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हो। आज कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो पुरानी है, ओल्ड है, इसीलिए उसकी कदर है। अगर हम उसके अंदर छेड़छाड़ करके मॉडर्नाइजेशन ऐड कर देंगे, तो उसकी जो ओल्ड इज गोल्ड वाली जो कहावत है वो तो झुठलाई जाएगी। यानी कि उसकी खासियत, उसकी अहमियत इसलिए है कि क्योंकि वो हजारों साल पुराना है। अगर हम उसके अंदर बदलाव करके उसको मॉडर्नाइजेशन और आज के युग के हिसाब से चलाएंगे, तो उसके अंदर नया कुछ भी नहीं रहेगा। इस कारण से उसको मेंटेन करते हुए, रिपेयर करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उसके शेप के अंदर, साइज के अंदर या फिर उसकी कंडीशन के अंदर कोई बदलाव ना किया जाए। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसने लगभग 5000 मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। ASI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने 5000 मॉन्यूमेंट्स को अपने अंडर में लिया हुआ है जिसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, संगमेश्वर टेम्पल एंड पापनाशम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश वर गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इन द सी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
अब आंध्र प्रदेश के अंदर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी एक डैम बनाया गया था जिसका नाम था नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो दो टेम्पल्स हैं संगमेश्वर टेम्पल और पापनाशम टेम्पल, ये दोनों टेम्पल जो ये पानी में मिलने वाले थे यानी कि ये पानी में डूबने वाली थी, इसलिए इन टेम्पल्स को शिफ्ट किया गया है आलमपुर एट महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में आलमपुर में इन दोनों टेम्पल्स को शिफ्ट कर दिया गया। अब ऑल्दो शिफ्टिंग के टाइम बदलाव तो काफी आए होंगे, लेकिन इनको डूब अगर ये डूब जाती तो हमारे पास हमारा हेरिटेज खत्म ही हो जाता, लेकिन इनको बचाया गया है और ये वहां पर आज स्थित है, वहां पर इनको लोकेट किया गया। ताजमहल है जो कि वर्ल्ड सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। अब एयर पोल्यूशन जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो कि एक ऑयल रिफाइनरी है वहां उसके पोल्यूशन की वजह से और उसके नियर बाय बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी थी ताजमहल के आजू बाजू, जिस कारण से जो मार्बल था ताजमहल वो डल पेल येलो होता गया, उसका पीलापन उसके ऊपर जमता गया। अब बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन वो पीलापन उसमें ज्यादा आने लगा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी टुक सूटेबल स्टेप्स टू क्लोज दैट। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने स्टेप उठाया और ताजमहल को बचाने के लिए उन रिफाइनरीज को वहां से बंद करवा के दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया और ताजमहल को थोड़ा देख रेख किया गया, तो आज उसकी चमक बरकरार है। तो इस प्रकार से जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से काम कर रही है हम ये समझ चुके हैं। आर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम, हमारा अगला टॉपिक है हमारा जो रोल है म्यूजियम्स को प्रोटेक्ट करने में वो क्या है। अब इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट जो कि 1876 में लागू किया गया था, इसके मुताबिक अगर किसी भी नागरिक को यानी कि आपको या मुझे या किसी भी सिटीजन को अपनी फील्ड के अंदर से या कहीं भी डिगिंग करते वक्त या खुदाई करते या एनी हाउ कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो पुराने समय से यानी कि पुराने समय की है, कोई मतलब हमारे लिए कल्चरल इंपॉर्टेंस की है, हमारे हेरिटेज के तौर पर उसको मान सकते हैं, तो ऐसे में वो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जानकारी यानी कि उसको जाके सीधा सीधा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बताना होगा। इससे क्या होगा, अब देखिए आपको कोई चीज़ मिली यू डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग, तो आप क्या करोगे, आपके लिए वो खिलौना होगा या जस्ट यू विल वेस्ट इट आउट। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे ऑफिसर को बताया तो वो उसकी हिस्ट्री निकाल कर पास्ट के बारे में उनको बता सकते हैं कि ये क्या है, और हो सकता है जो चीज़ आपको मिली है वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रही है। तो इस प्रकार उस चीज़ के बारे में आप अगर रिलेटेड पर्सन को ऑफिसर को बताओगे तो इससे वो चीज़ जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन ढूंढने की भी कोशिश की है प्राइवेट और पर्सनल म्यूजियम्स की, और 1972 में एक्ट पास किया गया है जिसके मुताबिक जो म्यूजियम्स हैं प्राइवेट और पर्सनल म्यूजियम्स जो हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी सरकार ने अपने पास ली है कि कहाँ कहाँ पर म्यूजियम्स हैं और प्राइवेट कौन से हैं और गवर्नमेंट वाले कौन से हैं। अब सिस्टमेटिकली आर्चीव डॉक्यूमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू द हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स। अब ये जो जानकारी है इसके द्वारा जो हिस्टोरियंस हैं जो रिसर्चर्स हैं उनको रिसर्च करने में सुविधा मिलती है, यानी कि आपको पता हो कि कौन सी स्टेट के अंदर कितने म्यूजियम्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, तो कोई अगर रिसर्चर है कोई हिस्टोरियन है पर्टिकुलर चीज़ पर काम कर रहा है तो कड़ियाँ जोड़ जोड़ के वो अलग अलग जगहों पर जाके अपना जो रिसर्च है उसको पूरा कर सकते। इसके बाद यहाँ पर कुछ म्यूजियम्स के नाम दिए गए हैं वो कहाँ पर हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, देन छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम जो कि मुंबई में है, तो इस प्रकार से बहुत सारे म्यूजियम्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हमारे रोल के बारे में बात करते हैं आपके और मेरे रोल के बारे में। द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स यूनेस्को एंड एनजीओज आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज टू प्रिजर्व आवर वैल्यूएबल हेरिटेज, देन एज इंडिविजुअल वन शुड प्ले एन इफेक्टिव रोल इन दैट डायरेक्शन। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है नेशनल गवर्नमेंट है एनजीओज हैं यूनेस्को है बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो हेरिटेज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जब इतने लोग काम कर रहे हैं इसको बचाने के लिए इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए काम किया जा रहा है, ऐसे में क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है तो हमें भी अपना रोल निभाना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर उनको सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो क्लास के अंदर हर एक क्लासरूम के अंदर जो जूनियर क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं छोटे बच्चों तक को हमें बताना चाहिए कि हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें उनको बताना चाहिए। तो सबसे पहले टीचर्स का रोल बताया गया है और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ साथ हमें कॉमन पब्लिक को भी ये जानकारी देनी चाहिए,
हमारे मॉन्यूमेंट्स और पुरानी साइट्स के बारे में। तो हमारे हर एक सिटीजन को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट भी है, और इनको प्रोटेक्ट करने में और प्रिजर्व करने में हमें सरकार की मदद भी करनी चाहिए। हम हर एक व्यक्ति को हेरिटेज साइट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, उनको मतलब जितना ज़्यादा हो सके उनके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। इसके अलावा जो वैल्यूबल थिंग्स होती हैं, जो बहुत कीमती चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए या फिर उनको चुराना भी नहीं चाहिए। म्यूजियम्स के अंदर वो हमारे देश की शान है, उनको हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं देना पहुँचाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस एंड एनजीओज, ये सब जो बॉडीज हैं इनको हिस्टोरिकल साइट्स और प्लेसेस के बारे में कुछ प्रोग्राम सेमिनार्स करने चाहिए स्कूल स्कूल में जाकर, ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके, बच्चे अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, अपने नियर बाय सराउंडिंग्स में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा अवेयरनेस का काम किया जाना चाहिए। और इसके अलावा स्पीचेस, एग्जीबिशन, डिस्कशन, सेमिनार्स, ये सब चीज़ें भी करके हम लोग अपने हेरिटेज के बारे में पूरे भारत के लोगों को, इवन विश्व के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। और इनको रिस्टोर करने के लिए, अगर कुछ ख़राब इनमें हो रहा है, कुछ अगर डैमेज हो रहा है, तो इनको रिस्टोर करना चाहिए हमको, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, यानी कि इनके ओरिजिनलिटी के अंदर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इनको डिस्ट्रॉय ना करें और इनको दूसरी प्लेस पे शिफ्ट कर दें अगर ये ख़राब हो रही हैं किसी तरीके से, जैसे हमने देखा कि दो टेम्पल्स को आंध्र प्रदेश में कैसे शिफ्ट किया गया। और इसके बाद बताया गया है कि हमारे बहुत सारे पुराने जो हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, टेपल्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी हैं हमारे हेरिटेज का ही पार्ट। तो यहाँ पे भी हमको स्पेशल केयर करनी चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी भी प्रकार से इनको नुकसान ना पहुँचे। तो आगे हमारा टॉपिक है क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट्स। पिकनिक स्पॉट्स जो हैं उनको कैसे क्लीन रखें और उनको प्रिजर्व करें। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, खैर ये तो हमें कहीं भी यूज़ नहीं करना चाहिए प्लास्टिक। दूसरा, हमें पिकनिक स्पॉट्स और उसके नियर बाय जगहों पर लिटर नहीं करना चाहिए, इनकी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वहाँ पर हमें कोई भी नेचर कॉल को अटेंड नहीं करना चाहिए और डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए पूरे तरीके से। इसके अलावा हमें मॉन्यूमेंट्स को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर लिख कर, उनके ऊपर ड्रॉइंग करके, इस तरीके से हम उनको नुकसान ना पहुँचाएं। वेस्ट जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। सिंपली हम लोग पिकनिक पे जाते हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, हम वहाँ पर चीज़ों को फेंक देते हैं, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि हमने वहाँ पर टिकट लिया है या जो भी है, तो इसको हमने खरीद लिया, इस तरीके से हम बिहेव करते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें वहाँ पर चीज़ों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। हमें तंबाकू या पान कुछ खाकर, मसाला खाकर वहाँ पर थूकना नहीं चाहिए, ये हमारे देश में ज़्यादातर लोगों के ये काम रहते हैं, तो ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसके आजू बाजू के एरियाज को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, पोल्यूट करेंगे तो उसकी सुंदरता, उसकी जो स्वच्छता है वो खराब हो जाएगी। एक्सटेंसिव केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून के समय जो ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, जैसे कि स्टेपवेल्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड, स्ट्रीम, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मॉनसून के समय पानी, बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनको नुकसान पहुँच सकता है, तो इसलिए हमें स्पेशल केयर इनकी करनी चाहिए उस समय पर। इसके अलावा जब हम इनको साफ़ करते हैं, जब इनका क्लीनिंग का काम चालू होता है, उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि केमिकल्स जो यूज़ करते हैं हम लोग वो ऐसे केमिकल ना हो जो इसकी सुंदरता को, इसकी ओरिजिनलिटी को नुकसान पहुँचाए, ऐसे हमें केमिकल्स का उपयोग ना करना चाहिए। इसके अलावा हमें फॉरेन विजिटर्स जो हैं या फिर लोकल विजिटर्स जो भी हैं, इनको ये समझाना चाहिए कि ये हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारा, इसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर कभी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण कोई हिस्टोरिकल प्लेस डैमेज हो रही है, तो हमें एफर्ट लगाना चाहिए कि हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में फिर से रिस्टोर कर सकें। जैसे अर्थक्वेक के समय कुछ ऐसा हो जाए या किसी और आपदा के कारण, कैलमिटी के कारण उसको नुकसान पहुँचे, तो हमें वहाँ पर भी इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अब भारत की जो सभ्यता है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमारा कल्चर जो है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, डिफरेंट अलग अलग तरह का मिक्सचर है ये हमारा। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिक आइडेंटिटी, तो भारत की जो डाइवर्सिटी है ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। और इंडिया का जो एक कल्चर है ये अमलगमेशन है, यानी कि मिक्सचर है, किस चीज़ का, कास्ट का, कम्युनिटी का, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये हमें एक सूत्र में बांधती हैं, एक ही माला में पिरो देती हैं, तो इंडिया फिर भी यूनाइटेड रहता है। हमने
दुनिया को एक फीलिंग, एक नई तरीके से हमने एक जो नया स्लोगन दिया है, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, हमने पूरी दुनिया को वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में हमेशा ट्रीट किया है और हम सब लोग इस बात को मानते भी हैं। सिंस वैदिक पीरियड्स, वेदों के समय से ही लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस इज द मैसेज ऑफ ऋग्वेदा ने भी हमें मैसेज दिया है कि हमें अपनी चारों दिशाओं से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मैसेज ही लेना चाहिए। ये हमको बताते हैं कि हमारा कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। हम लोगों, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, हमारे हर धर्म को बराबर दर्जा दिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत जो है ये भिन्नताओं का देश है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कहा था, शिकागो में जो हुई थी यूएस में, आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। मैं उस देश का वासी हूँ और मुझे गर्व है जिसने दुनिया को सहनशीलता, एकता और मिलजुल कर रहने का पाठ पढ़ाया है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़म, जैनिज़म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बहुत सारे जो रिलीजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अब भारत जो है, जिसको भारतवर्ष भी कहा जाता था, ये दुनिया के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। यानी कि हम एक प्रॉपर गाइड की तरह कहने जाएँ तो हम लोग दुनिया को रास्ता दिखाने वाले इंसान हैं। हमारा देश जो है दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भी, एज अ गाइड वी आर टू द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर 7 सेक्रेड रिवर्स जो हैं उनके वो बहती हैं भारत में, उनके नाम से ही हम लोग प्रेयर शुरू करते हैं। लोग हैं जैसे कि बड़े बड़े संत यहाँ पर हुए हैं, सूफी संत महात्मा जैसे कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, इन लोगों ने दुनिया को हमेशा ही भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। अब ये सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो अनेकता में एकता का सूत्र जो है उसको मानता है और दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। दुनिया में ऐसा कहीं आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा जहाँ पर ये सब कुछ होता, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल फॉर अ चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि हमारा हेरिटेज हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसको बचाना किस लिए हमारे लिए, किस प्रकार हमारे लिए ज़रूरी है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी।